हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से हों। प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ाई की। हम लोगों ने देखा कि किस तरह से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि रेने डेकार्ट ने डेवलप किया था, उससे काफ़ी हद तक मिलता जुलता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम अ पॉइंट इन अ प्लेन इज यूनिकली आइडेंटिफाइड विद द बाय टू पैरामीटर्स, ओके। एंड द पैरामीटर्स आर द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, अ फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट, एंड द इंक्लिनेशन, ये कहें कि द डायरेक्शन फ्रॉम अ रेफरेंस लाइन, अ गिवन रेफरेंस लाइन, ओके। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, किस तरह कितने हद तक वो कार्टेशियन सिस्टम जैसा ही है, और दोनों का रिलेशन भी हम लोगों ने देखा। तो अगर आपने प्रीवियस पार्ट समझा है तो आज का पार्ट आपको क्विकली समझ में आ जाएगा, और अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं समझा, वो सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है, मगर आज के लेक्चर के लिए उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। तो अगर आपने नहीं देखा तो एक बार सुन जरूर लीजिएगा। टुडे वी टॉक अबाउट पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ओके। फटाफट से एकदम, कंसीडर अ कॉम्प्लेक्स नंबर z, अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय z इज इक्वल्स टू x प्लस iy, वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स एंड i इज द इमेजिनरी यूनिट व्हिच इज स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1। कंसीडर द पॉइंट p x y। अब देखिए ये पॉइंट कहां कौन है, इस पॉइंट की, देखिए इस पॉइंट का फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो रियल पार्ट ऑफ जेड है, और सेकंड कंपोनेंट जो है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है। तो जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट ऑफ जेड और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड को एज अ कोऑर्डिनेट यूज करते हैं, और उसको 2D प्लेन पर, जिसका क्या नाम है, आर्गेंड प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन या गॉसियन प्लेन, उस पर रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो उस समय, उस सिचुएशन की बात हो रही है जब आप इस पॉइंट पी को, विच इज यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय रियल पार्ट ऑफ जेड एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ठीक है, जब आप इस पॉइंट पी को आर्गेंड प्लेन पर दिखा रहे हैं, तब की बात हो रही है। कंसीडर द पॉइंट पी ऑन आर्गेंड प्लेन। आर्गेंड प्लेन क्या है, ये एकदम अच्छे से मालूम होगा आपको। लेट द डायरेक्टेड लाइन ओ बी, लेट द डायरेक्टेड लाइन ओ पी, ये ओरिजिन है ओ, मतलब लिखना भूल गया, सॉरी। लेट द डायरेक्टेड लाइन ओ पी इज ऑफ लेंथ आर, इस ओ पी की लेंथ आर है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओपी को हम रेडिकल कोऑर्डिनेट कहते हैं या रेडियस कहते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में ये डिस्टेंस क्या होती है, मॉड्यूलस ऑफ जेड होती है, मॉड्यूलस ऑफ जेड कह लें या आर कह लें, एक ही बात है, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ जेड कह लीजिए और आर कह लीजिए, ये डिस्टेंस पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से देखेंगे तो ये आर है, और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से देखेंगे तो ये मॉड्यूलस ऑफ जेड है, है ना। ओके, एंड इट मेक्स एन एंगल थीटा फ्रॉम पॉजिटिव रियल एक्सिस, और ये जो ओपी लाइन है ये पॉजिटिव रियल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रही है। द पॉइंट पी कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाइड बाई आर एंड थीटा, ये बात पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोगों ने पढ़ी है। दिस पॉइंट पी कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाइड एज आर एंड थीटा, ठीक है, एंड विच इज सेट टू बी पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पी वी हैव। अब ये देखिए, ये रिलेशन बड़ा सिंपल सा है। प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने, मैं इसको ज्यादा इलेबरेट नहीं कर रहा, प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने देखा है हाउ वी कैन से दैट x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा एंड tan थीटा इज इक्वल टू y / x। हम लोग प्रीवियस पार्ट में पढ़े थे ना रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड कार्टेशियन सिस्टम। तो प्रीवियस, मैं फिर कह रहा हूँ, प्रीवियस पार्ट हमारा सिलेबस 11th एकेडमिक सिलेबस में नहीं है, बट आपको सुन लेना चाहिए, ठीक है। सो यहां तक की बात तो ठीक है, एक बात यहां ध्यान देने वाली है, अच्छा चलिए ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम करें, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ओके। सो इफ वी कंसीडर पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, ठीक है, देखिए डायग्राम तो एकदम क्लीन समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है, ये हमारी रियल एक्सिस है, आर्गेंट प्लेन के हिसाब से देखें तो ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, और ये है ओरिजिन, ठीक, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, आर्गेंट प्लेन के हिसाब से देखें, पोलर कोऑर्डिनेट के हिसाब से देखें, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से देखें तो ये हमारा रेफरेंस डायरेक्शन है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है जिसे हम पोल कहते हैं, और ये इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स आर एंड थीटा, वेयर आर इज रेडिकल कोऑर्डिनेट्स एंड थीटा इज एजीमूथ, है ना। अब ये सब बातें एकदम क्लियर होनी चाहिए। अब यहां क्या सिनेरियो है, यहां हम इसी पॉइंट को पोलर कोऑर्डिनेट के हिसाब से भी देख रहे हैं और इसी पॉइंट को आर्गेंड सिस्टम के हिसाब से भी देख रहे हैं, और हम ये देख रहे हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गेंड प्लेन के कोऑर्डिनेट्स को किस तरह से हम पोलर कोऑर्डिनेट से रिलेट कर सकते हैं,
ये 11th में इसीलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि ये काफी यूजफुल होता है, आगे आप पढ़ेंगे हायर स्टडीज में। सो किस तरह से हम आर्गेंट प्लेन की किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को, विच इज रियल पार्ट ऑफ जेड एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, किस तरह से हम पोलर कोऑर्डिनेट में मतलब रेडिकल कोऑर्डिनेट आर और थीटा की वैल्यू किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ये देखा जा रहा है। तो बहुत सिंपल और स्ट्रेट बात है, इफ वी कंसिडर पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, ठीक है, विच इज आर थीटा, यार ये तो इधर का है ना, इफ वी कंसिडर पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी ऑन आर्गेंट प्लेन देन आर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ जेड, है ना, ये आर स्क्वायर समझ लीजिए, आर स्क्वायर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, सॉरी, तो देन आर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ जेड, ये जो डिस्टेंस है आर जो कि क्या आएगी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कैसे, ये एक्स यूनिट है, ये वाई यूनिट है, हाइपोटेनस क्या है, एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका मतलब आर जो हमारा वो रूट, अच्छा ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए क्या होता था, हमने पहले ही डिफाइन कर रखा है, दिस इज मॉडुलस ऑफ जेड, इसका मतलब पोलर कोऑर्डिनेट का आर जिसे हम रेडिकल कोऑर्डिनेट कह रहे हैं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो रेडिकल कोऑर्डिनेट है किस पॉइंट का, वो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है, और पोलर कोऑर्डिनेट में जो एजीमूथ है थीटा, वो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आर्गुमेंट है, थीटा इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ जेड, है ना, थीटा इज इक्वल्स टू आर्गुमेंट ऑफ जेड सच दैट टैन थीटा इज इक्वल्स टू, यू नो, टैन थीटा इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स, यहां से tan theta की वैल्यू क्या है, y upon x perpendicular upon b, अब यहां एक बात ध्यान देने वाली है कि argument, चूंकि हमको ये मालूम होना चाहिए कि जैसे ही आप tan theta is equal to y by x रखते हैं, मान लीजिए y की वैल्यू 2 है और x की भी वैल्यू 2 है, तो tan theta आ जाएगा हमारा 1, अब 10th तक तो हम लोगों ने पढ़ा कि tan theta अगर 1 है तो theta 45 डिग्री होता है, लेकिन अब 11th में हम लोग पढ़ रखे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो पीरियोडिक होते हैं, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं, जैसे tan 45 डिग्री की भी वैल्यू 1 होगी और tan 225 डिग्री की भी वैल्यू 1 ही होगी, है ना। सो अब समस्या ये है कि अच्छा 360 में 45 ऐड करेंगे तब भी वैल्यू 1 आएगी, तो वो एक दो वैल्यूज नहीं मिलेंगी यहां से थीटा की, इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज मिलेंगी, यहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 45 डिग्री, है ना, 225 डिग्री, है ना, 360 में आप 45 ऐड कर लीजिए 405 डिग्री, है ना, इस तरीके से बहुत सारी वैल्यूज मिलने लगेंगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में, फिर एक राउंड घूम करके फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में, फिर एक राउंड घूम करके फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट, ऐसे इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज मिलती रहेंगी। तो बात ये कि कौन सी वैल्यूज किसको आर्गुमेंट कहें, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट तो कई हो जाएगा, ये भी आर्गुमेंट है, ये भी आर्गुमेंट है, ये भी आर्गुमेंट है, तो एक रूल बनाएंगे, ठीक है, ताकि प्रिसाइसनेस रहे, ओके, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ओके। तो जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि आर्गुमेंट की वैल्यू है ना पीरियोडिकली कई सारी आ सकती है, ठीक है, क्योंकि जो हमारा आर्गुमेंट है वो है ना tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स है, इस तरह से हम आर्गुमेंट डिफाइन कर रहे हैं। अब tan थीटा इज इक्वल टू कोई पर्टिकुलर वैल्यू आ गई, जैसा कि हम लोगों ने बात की, तो थीटा की वैल्यू कई सारी आ सकती है, तो अब ये हो जाएगा प्रॉब्लम ना कि अगर हमसे किसी पॉइंट का आर्गुमेंट पूछा जा रहा है थीटा, तो अब कई सारे अगर आप मतलब आप समझिए किसी पॉइंट तो यूनिक है, अब उसका आर्गुमेंट अगर हम 2-3-4 वैल्यूज बताने लगेंगे तब तो पॉइंट लोकेट नहीं हो पाएगा। पॉइंट को यूनिकली लोकेट करने के लिए ये जरूरी था कि आर्गुमेंट की वैल्यू को ना एक पर्टिकुलर रेंज में फिक्स किया जाए कि उस रेंज में रिपीटिव वैल्यू ना आए, रिपीटेड वैल्यू ना आए कभी भी। तो जैसे थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं फटाफट से, ये बात अभी आपकी क्लियर हो जाएगी। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कंसीडर्ड इन एनी इंटरवल ऑफ 2 पाई, लाइक 0 टू 2 पाई आप ले लीजिए, या माइनस पाई से प्लस पाई तक ले लीजिए, एक्सेट्रा, 2 पाई का कोई भी इंटरवल अगर आप ले रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस इंटरवल, बीच में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, जैसे 0 से शुरू किया और 2 पाई तक, ठीक है, इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि जीरो को इंक्लूड नहीं किया गया है, 2 पाई तो, अब जीरो और 2 पाई तो एक ही एंगल है, तो दोनों को इंक्लूड कर देंगे तो फिर दो वैल्यू आने लगेंगे, इसीलिए एक वैल्यू इंक्लूड की गई, एक नहीं इंक्लूड की गई, या माइनस पाई से प्लस पाई, ये माइनस पाई होगा,
माइनस पाई से जीरो और फिर जीरो से प्लस पाई, मतलब माइनस पाई से प्लस पाई, तो ये भी कितने का गैप है, टू पाई का ही इंटरवल है, यहां से लेकर के यहां तक एक रोटेशन हो गया 360 डिग्री, तो ये भी टू पाई का ही इंटरवल है, बस जीरो से ना बोल करके माइनस पाई से कहा जा रहा है। तो कोई भी टू पाई का इंटरवल अगर आप ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल पाई बाई टू से लेकर के यू नो फिर वापस एक राउंड घूमने के बाद यहां तक है ना, फाइव पाई बाई टू, पाई बाई टू से लेकर के फाइव पाई बाई टू तक, वो भी चल जाएगा कोई भी फिक्स। अब फिर वही बात आ गई कि आखिर मैथमेटिकल स्टैंडर्ड में किसी को तो किसी इंटरवल को हमको एक वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू देनी होगी कि नहीं इस। तो द आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर दैट लाइज इन द इंटरवल माइनस पाई टू प्लस पाई, इस इंटरवल में आप किसी भी इंटरवल को ले सकते हैं, लेकिन अब फिर वही बात हो जाएगी अगर ये डिफाइन नहीं किया जाए ना, तो अलग अलग कंट्रीज में या एक ही कंट्री में अलग अलग राइटर्स अपना अपना डोमेन लेकर के बुक लिखेंगे, अपना अपना डोमेन लेकर के अलग अलग टीचर्स पढ़ाने लगेंगे। तो ये बेहद जरूरी है कि सब कुछ सिस्टमेटिक चले, इसलिए ये जरूरी था कि बस एक कोई भी एक इंटरवल चूज कर लिया जाए। तो माइनस पाई टू प्लस पाई को चूज किया गया, एंड दिस इंटरवल, इस इंटरवल में जो आप एंगल की वैल्यू निकाल रहे हैं, जो आर्ग्यूमेंट निकाल रहे हैं, दैट आर्ग्यूमेंट विल बी नोन एज प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ओके, जब भी आपसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहे और कहें कि भाई इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट क्या होगा, तो आप उसमें प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ही सोच करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, ये लास्ट पॉइंट है, द पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z = x + y, y x की जगह हम क्या लिखते हैं r cos थीटा और y की जगह क्या लिखते हैं r sin थीटा, ये सब पहले से क्लियर है। तो बस इसको, ये आर्गन प्लेन पे रिप्रेजेंटेशन है रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस पर, ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन है इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, जहां मैंने x की जगह r cos थीटा लिखा है, y की जगह r sin थीटा लिखा है, फिर r को कॉमन ले लिया है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही हो। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, हम लोग एक क्वेश्चन भी लगा लेते हैं ताकि है ना, मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट निकालना कैसे, पोलर कोऑर्डिनेट कैसे निकालना है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये हमें समझ में आ जाए। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सो लेट अस टॉक ऑन अ क्वेश्चन, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -1 - i। ओके, मैंने एक अच्छा एग्जांपल, मतलब बड़ा बेसिक और अच्छा एग्जांपल यूज किया है, आई होप आपको इसके बेसिस पर किसी भी टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर रिप्रेजेंटेशन अच्छी समझ में आ जाएगी। दो तरह से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, रिप्रेजेंट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, या व्हाट विल बी द पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसे ही पूछ सकता है, फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, सब एक ही बात है। सो मतलब हमको आर और थीटा चाहिए किसी तरह से, क्योंकि पोलर रिप्रेजेंटेशन होती है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है ना, तो हमको थीटा और आर चाहिए, मतलब मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट चाहिए। अच्छा, हम लोगों के साथ एक डिमेरिट है, जो हम लोगों ने सिस्टम डेवलप किया, जो हम लोगों ने रिलेशन सेट किया पोलर कोऑर्डिनेट्स में और आर्गेंट प्लेन में, आर्गेंट सिस्टम में, हम लोग x प्लस आई वाई को ना a प्लस आई बी इस फॉर्मेट की कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो वन अपॉन में करके दिया, ये a प्लस आई बी के फॉर्म में है ही नहीं। सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहले तो हमको इसको पोलर मतलब a प्लस आई बी फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। हमने लिखा z is equal to 1 upon minus 1 minus i, इसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसके कॉन्जुगेट से, है ना, ये सब एकदम समझ में आ रहा हो आपके। ये हो जाएगा माइनस वन प्लस आई, कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस वन स्क्वायर वन हो जाएगा, माइनस आई स्क्वायर माइनस वन होगा और माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, ये हो गया हमारा माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई टू, ऐसे लिख लें आई इंटू वन बाई टू, ए प्लस आई बी ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, दिस इज आवर कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी फॉर्म में। अब हमें इसे पोलर में कन्वर्ट करना है, सो इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, थोड़ा सिंपल सा देखिए, आर की वैल्यू क्या होती है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, आई होप आपको ये मालूम हो, आर समझ में आ रहा हो, आर की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई, या ये कहें ये एक्स है और ये वाई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखने या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखने की बात है। आर की वैल्यू हमारा जो रेडिकल कोऑर्डिनेट है, ये हम कह रहे कि मॉड्यूलस है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो तो मिल गया, इसका स्क्वायर करेंगे वन बाई फोर, इसका स्क्वायर करेंगे वन बाई फोर, वन बाई फोर, वन बाई फोर, वन बाई
वन बाई टू उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आर की वैल्यू आ गई हमारी वन बाई स्क्वायर रूट ऑफ टू। सो आर्ग्यूमेंट ये मॉड्यूलस तो मिल गया वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टू, ये तो मिल गया। अब पॉइंट है आर्ग्यूमेंट का, थीटा कैसे निकलेगा। तो बड़ा आसान है सर, टेन थीटा का आपने फॉर्मूला बताया है, बड़ा सिंपल सा, वाई अपॉन एक्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, बड़ा सिंपल सा तो है। वाई की वैल्यू ये आपकी इमेजिनरी पार्ट वन बाई टू और एक्स की वैल्यू ये रियल पार्ट माइनस वन बाई टू, आ गया माइनस वन। माइनस वन की वैल्यू देख लीजिए किस इंटरवल में, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आप हमेशा निकालेंगे माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में। तो अब देखिए माइनस पाई से टेन थीटा इज इक्वल टू आ रहा है माइनस वन, विच इंप्लाइज दैट थीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस पाई बाई फोर। फट से आंसर आ जाएगा, देखिए ये एंगल जो है वो माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में है, दिस एंगल बिलोंग्स इन दिस इंटरवल, ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, जो हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है वो इस इंटरवल में आना चाहिए, ये हमारा प्रिंसिपल इंटरवल है फॉर आर्ग्यूमेंट, और ये एंगल इसमें आ रहा है। भाई माइनस वन किस पर होती है वैल्यू, टेन नेगेटिव कहां होता है याद कीजिए, सेकंड क्वाड्रेंट में, सॉरी हाँ सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव होगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट की भी एंगल की वैल्यू चूज कर सकता था, माइनस पाई बाई फोर भी चूज किया जा सकता है और सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा थ्री पाई बाई फोर, ये भी एंगल चूज कर सकता है। देखिए दोनों ही एंगल इस क्वाड्रेंट में आ, सॉरी इस इंटरवल में आ रहे हैं, माइनस पाई बाई फोर किधर, माइनस पाई से प्लस पाई का मतलब क्या हुआ, ये माइनस पाई से चलते हुए प्लस पाई तक, यही माइनस पाई है और यही प्लस पाई है, ये जीरो है, इधर की ओर जाएंगे माइनस पाई और इधर की ओर जाएंगे प्लस पाई, तो माइनस पाई से प्लस पाई तक, तो माइनस पाई बाई फोर इधर है, ये एंगल भी इस इंटरवल में है, थ्री पाई बाई फोर इधर है, ये एंगल भी इस इंटरवल में, अब तो दोनों आंसर गए, तो दो दो आर्ग्यूमेंट आ गए। फिर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट डिफाइन करने का मतलब क्या है ना, ये जितनी भी मैकेनिज्म यहां की गई है सब बेकार है। अब आप खूब ध्यान से समझिएगा यहां पर है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट निकालने में ही जनरली स्टूडेंट्स को थोड़ी दिक्कत होती है, अगर आप वो भी अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े हैं ठीक है, थोड़ा सिस्टमेटिक वे में अगर चीजों को देख रखा है आपने तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर ऊपर ऊपर से क्या ये फॉर्मूला होता है तो पक्का गलत हो जाएगा ठीक है। चलिए इसका जरा ये जो पॉइंट हमारा है ना माइनस वन बाई टू प्लस आई वन बाई टू, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका जरा ज्योमेट्रिकली देखते हैं किधर आता है बताइए तो जरा, ये जो रियल पार्ट है वो नेगेटिव है, ये रियल एक्सिस होती है हमारी है ना, रियल एक्सिस पर नेगेटिव मतलब लेफ्ट, और ये पॉजिटिव है मतलब ऊपर, यहां कहीं होगा है ना, ये माइनस सॉरी ये माइनस वन बाई टू और ये प्लस वन बाई टू, यही तो मतलब हुआ, ये माइनस वन बाई टू यूनिट होगा और ये वन बाई टू यूनिट होगा, यही तो है माइनस वन बाई टू प्लस आई वन बाई टू। चलिए तो अब हम लोग ये जो टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स कर रहे हैं ना, वाई मतलब वन बाई टू और x मतलब माइनस वन बाई टू, यही तो कर रहे हैं 1 बाई टू अपॉन माइनस वन बाई टू वाई अपॉन एक्स, इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या है 1 बाई टू कॉमा माइनस सॉरी माइनस वन बाई टू कॉमा प्लस वन बाई टू, यही तो हम कर रहे हैं tan थीटा इक्वल टू y बाई एक्स। लेकिन देखिए जरा यहां tan थीटा इक्वल टू माइनस वन लिखा आपने, तो यहां से जो थीटा की वैल्यू आएगी वो एक्चुअली ये एंगल आ रहा है, ये वाला एंगल आ रहा है, ये वाला। एक मिनट, तो मैं ये कह रहा था कि यहां से जो हम टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, ये टेन थीटा माइनस वन आ रहा है तो आप थीटा की वैल्यू कुछ निकाल लिए ठीक है, जैसे आपने कहा कि माइनस पाई बाई फोर हो सकती है या थ्री पाई बाई फोर, इसको देखे तो ये लग रहा है थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे टेन थीटा माइनस वन आ जाए, माइनस पाई बाई फोर पे माइनस पैंतालीस भी माइनस वन आएगा और 135 डिग्री पे भी माइनस वन आएगा है ना। अब ये आंसर नहीं है, माइनस पाई बाई फोर का मतलब जीरो से इधर, क्या ये पॉइंट ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर इधर है, नहीं ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर इधर है, और एक और चीज ये वाला एंगल भी आप आंसर नहीं बता सकते, ये वाला एंगल है आंसर, देखिए ये वाला एंगल आंसर, ये आर्ग्यूमेंट है
समझिए बात को, ये हमारा पॉइंट, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस पॉइंट पर लोकेटेड है, ठीक है, और हमको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट चाहिए वो आर्गुमेंट हमको माइनस पाई से प्लस पाई में चाहिए, और ऐसा वो होना चाहिए कि जिसकी जिसका टेन लेने पर माइनस वन आ जाए। अब आप देखिए टेन थीटा माइनस वन कितने पर आता है, आप खुद सोचिए, माइनस पाई बाई फोर पर और थ्री पाई बाई फोर पर। माइनस पाई बाई फोर हम ले नहीं सकते क्योंकि अगर आपने थीटा माइनस पाई बाई फोर ले लिया तो माइनस पाई बाई फोर लेने का मतलब ये जीरो और जीरो के बाद इधर की ओर माइनस पाई बाई फोर, तब तो पॉइंट इधर नहीं इधर आने लगा, जब पॉइंट इधर तो है नहीं, पॉइंट तो इधर है, तो माइनस पाई बाई फोर हो नहीं सकता, तो फिर बचा क्या, थ्री पाई बाई फोर इधर आएगा आंसर। ओके सो tan थीटा इज इक्वल टू आप लिखेंगे tan 3 पाई बाई 4, ध्यान दीजिए यहां माइनस पाई बाई 4 मत लिखिएगा, दोनों ओर से tan कैंसिल हो जाएगा, मतलब tan कैंसिल नहीं होता है। आप 12th में आएंगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे तो ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। फिलहाल के लिए इनफॉर्मली हम कहते हैं कि दोनों ओर हमने tan हटा दिया दोनों ओर कंपेयर करके और थीटा की वैल्यू आ गई 3 पाई बाई 4। तो ये हुआ आर्ग्यूमेंट, दिस इज द आर्ग्यूमेंट, और ये हुआ मॉड्यूलस। ठीक है, ध्यान रहे आप जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालिए, ठीक है, उसको ज्योमेट्रिकली पहले लोकेट कर लीजिए, ठीक है, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेड इज इक्वल टू, जेड मतलब ये, इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, आर, आर मतलब वन बाई रूट टू है ना, कॉस थीटा मतलब ये, कॉस थ्री पाई बाई फोर प्लस आई साइन थ्री पाई बाई फोर, दिस इज द पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हमने पहले ए प्लस आई बी में कन्वर्ट किया, उसके बाद आर की वैल्यू निकाली, उसके बाद आर्ग्यूमेंट निकाल लिया। ठीक है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कॉस थ्री पाई बाई फोर की वैल्यू रखिए, साइन थ्री पाई बाई फोर की वैल्यू रखिए, और ये वन बाई रूट टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए ये सब करने के बाद आपको फिर यही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगी, माइनस वन बाई टू प्लस आई वन बाई टू। आप cos 3 पाई बाई 4 की और sin 3 पाई बाई 4 की है ना, cos 135 और sin 135 की वैल्यू रखिए और 1 बाई रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप इसी कॉम्प्लेक्स नंबर पर आएंगे। ये रिप्रेजेंटेशन दोनों ही तरीकों से एक ही पॉइंट लोकेट हो रहा है, बस ये पोलर में रिप्रेजेंट हो रहा है r और थीटा के टर्म्स में, ये x और y के टर्म्स में, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के टर्म्स में। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सो आई होप आपको आज का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। एनसीईआरटी की जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जो भी बुक आप सॉल्व कर रहे हैं, आपको एक बात का ध्यान रखना है, हर क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है, आर्गेंट प्लेन के फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है तो उसका आर्ग्यूमेंट कैसे निकालें, और आर्गेंट प्लेन के सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका आर्ग्यूमेंट कैसे निकालें, तो कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट ऑफ द आर्गेंट प्लेन, तब फिर आर्ग्यूमेंट कैसे निकालें, एंड सिमिलरली इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट ऑफ द आर्गेंट प्लेन, then how will we find argument of that complex number? अगर चारों टाइप के आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से एंगल थीटा जो है, आर्ग्यूमेंट जो है, उसको डिसाइड करना है। मैं फिर से कह रहा हूं, जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट फाइंड करें तो उसकी एक इमेज अपने ब्रेन में, दिमाग में फट से बना लीजिए कि वो किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है, और तब सोचिए कि माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में कौन सा एंगल सेलेक्ट करना आसान रहेगा। ठीक है, अगर आपका क्वाड्रेंट, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसको प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहेंगे, क्योंकि ये है ना माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो ये वाला नहीं है, ये वाला होगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये वाला नहीं बल्कि ये वाला प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा। देखिए प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट मतलब मुझको थीटा की वो वैल्यू चाहिए, दो कंडीशन, एक तो टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स भी होना चाहिए, एक बात, और दूसरा वो थीटा माइनस पाई से प्लस पाई इस इंटरवल में लाइक करना चाहिए, ये दोनों बातें होल्ड करनी चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ये वाला एंगल होगा। आप बहुत आसानी से, जब भी आपने tan थीटा इज इक्वल टू y बाई x किया, थीटा की वहां से दो वैल्यूज आएंगी,
अब आप उन दोनों वैल्यूज में से ठंडे दिमाग से ये सोचिए कि हमारा पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में, और आप बड़ी आसानी से एबल होंगे ये डिसाइड करने के लिए कि उन दोनों एंगल्स में से कौन सा एंगल एक्सेप्टेबल है और कौन सा एंगल एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे कि अभी हम लोग जो एग्जांपल सॉल्व किए उसमें माइनस पाई बाई फोर को हमने डिस्कार्ड किया और थ्री पाई बाई फोर को आंसर एक्सेप्ट किया था, है ना, क्योंकि ज्योमेट्रिकली थ्री पाई बाई फोर वो पॉइंट जिस वो सेकंड क्वाड्रेंट में था और थ्री पाई बाई फोर ही उसका एंगल होगा, है ना। सो दैट इज वाई आई होप आपको लेक्चर प्रॉपर समझ में आया हो। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में आगे बढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ, है ना। क्वाड्रेंट मॉड्यूलस और आर्गुमेंट को लेकर के खूब क्वेश्चंस लगाइए, खूब खुश रहिए और खूब मेहनत करते रहिए।